Hey guys, how are you? So I'm back with another video, and as you can see, I have two phones with me. Both are white color, both look absolutely gorgeous. On the left, S21 FE. On the right, we have iPhone 13. Now, अभी मैंने ये दोनों phones purchase किया recently. इससे पहले मेरे पास आपको पता है पिछले वीडियो में S21 Ultra था. मैंने S21 Ultra की जगह S21 FE यूज़ करना शुरू किया है और iPhone 13 Pro Max की जगह iPhone 13 यूज़ करना शुरू किया है. रीज़न, मुझे हल्के फ़ोन यूज़ करने थे. आई वॉन्टेड टू यूज़ ए लाइट वेट फ़ोन. आई मीन S21 Ultra एंड iPhone 13 Pro Max बोथ आर लाइक एब्सोल्युटली ग्रेट फोन्स, बेसिकली टॉप ऑफ द फूड चेन, बट बहुत हैवी है यार. सो आई मीन जो लोग ये दो फ़ोन यूज़ करते हैं उनको पता है लाइक 100 यूज़ तो आप भूल जाइए. ये दो फ़ोन में आप 100 यूज़ कर नहीं सकते हैं. यू हैव टू यूज़ बोथ हैंड्स. बट व्हेन आई स्विच्ड ओवर टू दीज टू फोन्स, आई मीन आई कैन डू थिंग्स विथ वन हैंड विच वर प्रीवियसली नॉट पॉसिबल. आई एंड ऑल्सो आई कैन लाइक वॉच वीडियोज फॉर लॉन्ग सेशंस होल्डिंग लाइक दिस. आई could never hold iPhone 13 Pro Max like this for maybe more than 10-15 minutes. You know, the pinky on which this squared edges rest. So you see how sharp this is. So you can see, I think my pinky has disformed because of the iPhone 13 Pro Max's weight. But yeah, I mean, holding this is like so easy. I can hold it for like hours at a stretch. So this was the main reason I went for these two phones. Both are around 170 to 175 gram in weight. And as you all know that S21 Ultra and iPhone 13 Pro Max are more than 220 or even 240 gram. So that was my main reason for using these two phones. Now, of course, I am using my S21 FE as my work phone and the iPhone as my personal phone. But of course, I mean, not everybody uses two phones. So कौन सा आपको लेना चाहिए? आई थिंक ये अगेन दिस इज अगेन द सेम ओल्ड क्वेश्चन ऑफ iOS वर्सेज एंड्रॉयड. देर आर सर्टन एडवांटेजेस टू एंड्रॉयड, देर आर सर्टन एडवांटेजेस टू iOS. इफ यू वॉन्ट टू स्टिक टू iOS देन दिस नो ब्रेनर एन आईफोन 13. एंड इफ यू वॉन्ट टू गो विथ एंड्रॉयड, आई मीन देर आर लॉट मोर ऑप्शंस. यू कैन गो फॉर द प्रीवियस द मेन S21 इंस्टेड ऑफ द S21 FE, और यू कैन वेट 2-3 मोर वीक्स एंड गेट द S22. बट अगर ये दोनों को कंपेयर किया जाए, सो आई थिंक ये दोनों में कौन ज़्यादा अच्छा है, देयर इज़ नो डायरेक्ट आंसर. अगर एक एक करके देखा जाए तो मुझे स्क्रीन ज़्यादा S21 FE की अच्छी लगी. काफ़ी ब्राइट है एंड इट्स द फ्लैगशिप लेवल स्क्रीन. बेसिकली जो S21 में मिलता है वही स्क्रीन यहाँ भी है. 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट एंड क्वाइट ईजी टू लुक एट. बट iPhone 13 में स्क्रीन अच्छी है, नो डाउट. बट एक तो आपको पता है कि iPhone में ये नॉच है, यहाँ पे ऊपर में नॉच है. वॉलपेपर मैंने ऐसा यूज़ किया कि नॉच दिखता नहीं है, बट नॉच है. एंड 120 हर्ट्स नहीं है, वो 13 Pro या 13 Pro Max में आता है. बट iOS में ये एडवांटेज है कि iOS का 60 हर्ट्स इज़ मच स्मूदर दैन Android 60 हर्ट्स. ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आई डोंट नो आप लोग को ऐसा लगता है कि नहीं, क्योंकि मैं अब एंड्रॉयड का 60 हर्ट्स यूज़ नहीं कर पाता हूँ. वो बहुत ही लाइक जैंकी लगता है. बट iOS 60 हर्ट्स इज स्टिल लाइक यूजेबल. इवन ट्विटर स्क्रॉलिंग एक्सेट्रा इश्यू नहीं होता है. 120 हर्ट्स मुझे उतना नहीं पता चलता है. आई मीन आई डोंट मिस 120 हर्ट्स दैट मच. सो ये एडवांटेज है. सो प्योरली बाई स्क्रीन आई विल गो विथ S21 FE, क्योंकि एक तो लार्जर स्क्रीन भी है, नॉच नहीं है, सो इट लुक्स मोर फ्यूचरिस्टिक, मोर प्रीमियम. इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी ओवरऑल, iPhone 13 हैज़ अ बेटर बिल्ड क्वालिटी. इट हैज़ द ग्लास बैक एंड अ ग्लॉसी फिनिश, सो थोड़ा ग्रिप मिलता है क्योंकि आप ग्लॉस है. साइड में आपको एल्यूमिनियम फ्रेम मिलता है, नॉट द स्टेनलेस स्टील जो 13 Pro या 13 Pro Max मिलता है. सो होल्ड करने के लिए अच्छा है. एंड इनफैक्ट क्योंकि इससे ज़्यादा कॉम्पैक्ट है तो इट्स ईजियर टू होल्ड. फील्स रिलेटिव स्लाइटली मोर प्रीमियम दैन दिस बिकॉज दिस ये इसका प्लास्टिक बैक है. ये भी अच्छा फीलिंग है. सो लाइक दिस इज ऑल्सो नॉट स्लिपरी एंड लुक्स वाइज काफ़ी अच्छा दिखता है. वाइट एटलीस्ट अभी तक तो नया है तो अच्छा ही दिख रहा है. सो बिल्ड क्वालिटी आईफोन का बेटर है. स्क्रीन वाइज S21 FE
और अगर बाकी देखें तो कैमरा, ये सब आई थिंक कैमरा में कोई डिफरेंस ऐसा है नहीं, दोनों का ही लाइक ऑलमोस्ट फ्लैगशिप लेवल कैमरा है। iPhone 13 Pro Max में ऑफ कोर्स टेलीफोटो कैमरा है, जो इसमें नहीं है, इसमें दो ही कैमरा आपको मेन और अल्ट्रा वाइड ही मिलता है। सो अगर आपको टेलीफोटो चाहिए तो फिर आपको 13 Pro या 13 Pro Max लेना होगा। और इसमें तीन कैमरे हैं, सो वन इज़ मेन, वन इज़ दी अल्ट्रा वाइड एंड दी थर्ड इज़ दी टेलीफोटो। इसमें 3x वाला टेलीफोटो आपको मिल जाता है। सो अगर जूम लेना है तो फिर ये एक और एडवांटेज है S21 FE का, कि यू हैव दी जूम। सो पोर्ट्रेट मोड भी इसमें 3x जूम पे खींचा जाता है। इसमें पोर्ट्रेट मोड आपको जस्ट नॉर्मल उस पर मिलेगा, मेन कैमरा पे, कोई जूम का कोई ऑप्शन नहीं है। वेर इसमें अगर आप पोर्ट्रेट मोड पर जाइएगा तो आपको, सॉरी ये मैं था, ये 3x एंड 1x दोनों का ऑप्शन है। सो 3x में ऑफ कोर्स एडवांटेज मिलता है कि पोर्ट्रेट लुक्स मोर प्लीजिंग, सो ये भी एक एडवांटेज है इसका S21 FE का। इन टर्म्स ऑफ बैटरी लाइफ, अभी दोनों मैंने रिसेंटली यूज़ करना शुरू किया लास्ट वीक, सो बट स्टिल लाइक इनिशियल इंप्रेशन इज iPhone 13 हैज़ अ बिट बेटर बैटरी लाइफ बिकॉज का स्टैंड बाई काफ़ी अच्छा है। और ये आई थिंक iOS का एडवांटेज हमेशा से रहा है एंड्रॉयड पर, कि iOS का स्टैंड बाई बैटरी ड्रॉप इज़ लोअर दैन एंड्रॉयड। बट स्टिल लाइक ऐसा नहीं है कि मतलब इसका बैटरी बैकअप ख़राब है S21 FE का। मैं आपको दिखा देता हूँ अभी मेरा करंट साइकिल क्या है। सो आई हैव यूज इट फॉर 1 day 1 hour और स्क्रीन ऑन टाइम मेरा 5 hour 18 minutes है, आई मीन प्रिटी गुड, और स्क्रीन ऑफ टाइम 20 hours। सो आई थिंक इट्स मोर देन इनफ, ईजिली 1 day लास्ट कर जाएगा। 2 दिन तो नहीं चलेगा, अगर आप एकदम लाइट यूज़र हैं तो 2 दिन भी खींच सकते हैं, बट यार मेरे यूजर्स के हिसाब से 1 दिन आराम से मिल जाता है। iPhone 13 में ऑफ कोर्स थोड़ा डिफिकल्ट है बैटरी लाइफ देखना, क्योंकि एंड्रॉयड जैसा नहीं दिखता है। सो अभी मैंने जस्ट इसको चार्ज किया 100% पे, बट ये मैं 3 दिन से यूज़ कर रहा हूँ। सो अगर आप देखो तो फर्स्ट चार्ज मेरा थर्सडे को हुआ था, फर्स्ट डे 1 hour 59, देन फ्राइडे 5 hour 1, सो 7 hours। अभी मैंने आज सैटरडे को इसको चार्ज किया जस्ट 2 घंटा पहले, तो अराउंड 7 7.5 hours तो ईजिली मिल जा रहा है। और ये मेरा फर्स्ट चार्ज था इस पर, सो एप्स भी डाउनलोड हो रहे थे एक्सेट्रा। सो इन टर्म्स ऑफ स्क्रीन ऑन टाइम iPhone 13 विल बी बेटर देन S21 FE, बट अगर आपको हमेशा चार्जर पास में ही रहता है और 1 दिन से ज़्यादा, मतलब आपको ऐसा फ़ोन नहीं चाहिए जो 2 दिन लगातार चले, तो देन S21 FE इज़ गुड इनफ। आईफोन ने इस बार एक्चुअली काफ़ी कमाल किया है बैटरी लाइफ के साथ। 13 Pro Max जो मैं यूज़ करता हूँ वो तो भाई ख़त्म ही नहीं होता है, आई मीन मैं भूल जाता हूँ कि उसको चार्ज भी करना है, क्योंकि वो हमेशा बैटरी उसमें रहता ही है। सो बट ऑफ कोर्स उसके ये डाउनसाइड था कि बैटरी साइज के वजह से उसका वेट बढ़ गया, एंड वो थोड़ा सा इश्यू है। सो ये था बैटरी बैकअप। कैमरा में एज आई मेंशन कि दोनों में से आई मीन सब्जेक्टिव कॉल, आईफोन का स्टैंडर्ड जो रहता है कैमरा वो थोड़ा सा ज़्यादा नेचुरल कलर्स आता है, सैमसंग थोड़ा सा वो वाइब्रेंट कलर रहता है। सो वो पर्सनल प्रेफरेंस है, वो सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज होता है। तो कैमरा में बस एडवांटेज ये है कि इसमें टेलीफोटो जूम है S21 FE में। सो अगर आपको केवल टेलीफोटो नहीं चाहिए तो आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, अगर टेलीफोटो चाहिए तो फिर आपको S21 FE बेटर लगेगा। अब आया जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स की बात, तो यस S21 FE में सैमसंग ने कहा है कि दे विल बी प्रोवाइडिंग 3 major updates एंड 4 years security, और ये ऑलरेडी 1 UI 4 पर है, एंड्रॉयड 12 के साथ आता है आउट ऑफ बॉक्स। सो S21 के कंपैरिजन में ये बेटर रहेगा कि इसको आई थिंक 1 साल ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा S21, क्योंकि एंड्रॉयड 11 के साथ आया था एंड आई थिंक उसमें भी 3 years ऑफ मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट का प्रॉमिस था, तो वो जस्ट मे बी 14 तक ही जाएगा, 12 13 14, ये शायद एंड्रॉयड 15 भी इसमें आ जाएगा S21 FE में, अगर आप फ़ोन उतना टाइम तक रखते हैं तो, मैं तो नहीं रखता। और iOS का तो आपको पता ही है, 4 5 साल आराम से अपडेट्स आता है, नॉट इवन 4, आई मीन 5 6 साल तक अपडेट्स आता है। बट स्टिल लाइक उतने टाइम तक मैं फ़ोन रखता नहीं, अगर आप रखते हो तो फिर आपके लिए आईफोन ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर बात करें इन जनरल, तो मुझे अब मैं दोनों फ़ोन को यूज़ करूँगा अगले कुछ महीनों तक,
एंड फिर देखते हैं कि क्या एक्सपीरियंस होता है मेरा। और इनिशियल इम्प्रेशन मुझे दोनों ही अच्छे लगे हैं समहाउ। फिर भी अभी टू यूज़ मुझे S21 FE ज़्यादा अच्छा लगता है, बिकॉज थोड़ा स्लाइटली बिगर स्क्रीन है, बस एक पंच आउट होल पंच है कैमरा में, सो मोर फ्यूचरिस्टिक एंड मोर प्लेजेंट टू होल्ड। आईफोन भी लाइट वेट है तो ये भी अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी ये जो स्क्वायर एजेस हैं ये अब वेट वाइज तो इश्यूज नहीं है, लेकिन फिर भी टू होल्ड ये ज़्यादा बेटर लगता है S21 FE कंपेयर टू iPhone 13। सो आई थिंक ओवरऑल यही था मेरा इनिशियल कंपैरिजन। सो आपको अगर कुछ क्वेश्चंस है, अगर आप भी नया फ़ोन लेने का सोच रहे हो तो देन डू ड्रॉप मी अ कमेंट। अभी S22 भी लॉन्च होने वाला है, सो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप 2-3 वीक और वेट कर लो, बिकॉज S22 इंडिया में लॉन्च होगा, सो इट विल बी लाइक मोस्ट प्रॉब्ली मोर देन 70,000 रुपीज़। S21 FE आपको 48,000 के अराउंड का मिल जा रहा है, और iPhone 13 इज 79,000। आई थिंक अमेजोन पर कुछ डिस्काउंट चल रहा था तो मुझे 73,000 का पड़ा। सो अगर iPhone 13 लेना है तो आप सोच सकते हो कि S22 के लिए भी वेट करके देख लेते हैं, क्योंकि वो भी इसी के प्राइस रेंज के अराउंड होगा, और वो भी आई थिंक इस बार तो काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ का है S22। आई थिंक 6.06 इंच स्क्रीन है इसका, बैटरी का मुझे पता नहीं कितना है। सो दैट्स इट गाइज, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, कोई भी पूछना हो कुछ भी चीज़, तो प्लीज़ ड्रॉप मी कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल अप्रिशिएट इट सो मच। थैंक यू।